हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नमो व्लॉग एंड वेलकम टू माय एंड अदर व्लॉग। फाइनली मैं इतने दिनों बाद व्लॉग बना रही हूँ कि मुझे खुद भूल रहा था कि मैं व्लॉग कैसे शुरू करती थी या व्लॉग कैसे बनाऊँ। एक मिनट को मैंने यहाँ खड़े होकर सोचा कि मैं कहाँ से शुरू करूँ व्लॉग, और ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। खैर, एक्चुअली मुझे ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं बनाऊँ क्या व्लॉग, कंटेंट क्या दूँ। खैर, आज हम एक शादी में गए थे इसीलिए मैं ये इतना ज़्यादा तैयार हुई हूँ, और अभी अभी हम उस शादी से वापस आए हैं। और जद्दा में पहली बार मुझे मान के साथ किसी शादी में जाके मज़ा आया, क्योंकि वहाँ पर मेरे साथ मान पूरी शादी में साथ साथ रहे, मिक्स गैदरिंग थी तो इतना अच्छा लगा, इन्जॉय किया मैंने। वरना हमेशा अलग अलग यहाँ पे जाते थे शादियों में तो मुझे मज़ा नहीं आता था, और मैंने एक तरह का शादियों से मैं फेड अप हो गई थी कि मुझे नहीं जाना। लेकिन आज शादी में बहुत मज़ा आया, वहाँ पे फ़ैन भी मिले और बहुत अच्छा लगा, और दूल्हा दुल्हन भी बहुत प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह। तो दो बातें हैं वो जो मुझे आज आपसे करनी है। एक तो वो कि एक बहुत ज़बरदस्त टॉपिक जहन में आया है, और एक ऐसा टॉपिक है जो होना चाहिए, जो एहसास हर पाकिस्तानी के दिल में होना चाहिए, तो मुझे वो एक बात है जो डिस्कस करनी है। पूरी बात क्या है, चेंज कर लूँ उसके बाद बताती हूँ। अच्छा, जब तक मैं चेंज करती हूँ, तो कुछ दिन पहले आप ही का बर्थडे था, तो वो हम लोगों ने जाके हल्का सा छोटा मोटा सेलिब्रेट किया था, इन्जॉय किया था, उसकी वीडियो बनाई थी और एडिट नहीं कर पाई थी। तो इस व्लॉग में जब तक आप वो देखें, जब तक मैं चेंज करके आती हूँ। यूँ गई और यूँ आई हूँ। आप ही की बर्थडे है तो उसको बर्थडे विश करनी है, तो उसके लिए केक लेके जाएंगे और रेडी हुई हूँ। हल्का फुल्का सा, अगर आपको ये देखना है कि मैं लाइट सा जो मेकअप करती हूँ, बिल्कुल ये दो चार चीज़ों से करती हूँ, वो चीज़ें अभी आपको दिखा सकती हूँ, और ये मेकअप लुक कभी और दिखाऊंगी। आपको दिखाती हूँ कि ये कौन सी दो तीन मेकअप की प्रोडक्ट हैं जिससे मैं ये बेसिक लुक, जो डेली बेसिस पे कोई भी कर सकता है कहीं भी जाते हैं। समर के हिसाब से शदीद गर्मी है, स्वेटिंग हो रही है, तो आप ये लुक क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले ये फिट मी का मेबलिन का फाउंडेशन है, ये बहुत ही नेचुरल और बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है, बहुत ही लाइट, और मैं सिर्फ बहुत भर भर के इसको नहीं लगाती, सिर्फ हल्का सा स्पॉट लगाती हूँ जो भी डार्क साइड है फेस के उधर, और उसको मर्ज करती हूँ फिर फेस पे। सबसे पहले ये अप्लाई किया है, इसके बाद मैंने आईब्रोज पे ये रिमल की आईब्रो पेंसिल है ये अप्लाई की है, रिमल की है देख लें। उसके बाद आईज़ के ऊपर जो कॉर्नर पे मैंने एक लाइनर लुक दिया है, वो भी मेबलिन का टैटू लाइनर है, ये नेवी ब्लू, डार्क ब्लू शेड है मेरे पास। और सबसे फेवरेट मेरा ब्लश ऑन जो कि रिमल का है, रिमल लंदन, नया लिया है ये मैंने, इससे पहले मैं इंग्लॉट का यूज़ करती थी, फिर उसके बाद अभी मैंने ये नया लिया, वो मेरा शहीद हो गया था, गिर के टूट गया था इंग्लॉट का। इसका शेड है 220, मेडेरा नाम है इसका। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लिप्स पे मैंने ये रिमल का शेड है, नंबर इसका 050 इसका नंबर है, ये आउट लाइन लिप्स की बनाई है, और रिमल की ये लिपस्टिक है, ये मैंने इसको अंदर फिल किया। सो ये सिंपल सा लुक डेली समर का आपका क्रिएट करती हैं ये छोटी सी चीज़ें, कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, और कोई बहुत ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं है। और क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ और नेल कलर मैंने नहीं अप्लाई किया है, तो नेल कलर मैं साथ लूँगी, बस एक थंब पे अप्लाई किया ताकि आप लोगों को दिखा सकूँ, और गाड़ी में अप्लाई करूँगी ये। तो मैं नॉर्मल रूटीन में ना कोक पेप्सी से मैंने बहुत ज़्यादा नहीं पीती, लेकिन आजकल पता नहीं क्या हुआ, हर रोज़ मुझे ऐसा दिल करता है जैसे मैं कोक पीऊँ या पेप्सी पीऊँ। आज सुबह मैं एक पेप्सी पी चुकी हूँ पूरी, अब दूसरी पेप्सी पीने की तैयारी, तो मैंने गाड़ी में बैठते ही मान को बोला मुझे वो दिला दे कोक या पेप्सी। गाड़ी रुकवाई हुई है नेल कलर लगाने के लिए, दो उंगलियां यहाँ लगाऊंगी, फिर बाकी का दूसरा हाथ हाईवे पे। हाँ जी, तो हम पार्टी में आ चुके हैं, पार्टी तो ऐसा कोई नहीं है, बस केक काटेंगे, केक लेकर आ चुके हैं,
अब बाहर जाएंगे पूल पे, वहाँ केक काटेंगे। सबकी वीडियो तो नहीं बना सकती बट केक की ज़रूर बना। तो मैं और मान आए हैं पूल पे केक रखने, फिर आप ही आएगी और केक काटेगी। हाँ जी, तो देखिए आपने आप ही की बर्थडे की वीडियो कितने मजे की है। छोटा सा हमने ऐसी केक ले जाके सरप्राइज दिया था और सेलिब्रेट की थी। ये जो पीछे दीवार है ना ऐसे फटी फटी, इसको थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा आपको, क्योंकि इसके पीछे एक साइंस है। ये हुई है ऐसी, ऐसी थी नहीं। तो सीन ये है कि ये वाला जो है ना वो पेंट है जो पानी से सीपेज से झड़ता नहीं है, ये वो पेंट है। तो इसलिए ये ऐसे एम्बोज हो गया है, इसके अंदर आता है पानी इस एसी से। ऊपर एसी लगा हुआ है, यहाँ से पानी टपकते हैं तो ये दीवार एम्बोज हो गई है यहाँ से। वैसे मैं आपको क्यों बता रही हूँ, इस बात को इग्नोर करें, पीछे दीवार को इग्नोर करें और मेरी बात पे फोकस करें। बात यह है कि आज मुझे ऐसे ही ख्याल आया, बहुत सारे मैंने सोशल मीडिया के ऊपर देखा है लोग जो हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी मीडिया से रिलेटेड लोग जो हैं, एक्टर्स हो गए, सोशल मीडिया से रिलेटेड जितने भी ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं ना कहीं अप्रोच है, वो कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को साफ करें। पाकिस्तान को साफ क्या करें, मतलब पाकिस्तान के अंदर जितना गंद है, गंदी रोडें हैं, कचरे की ढेर हैं, हर जगह जहाँ जहाँ भी गंद पड़ा हुआ होता है उसे साफ करें तो साफ होगा पाकिस्तान। और सफाई का इस तरह से कोर्ट्स रख के उन लोगों ने अपना पूरा टीम वर्क कर रहे हैं और मुहिम चला रहे हैं, डिफरेंट किस्म की, डिफरेंट लोग डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डिफरेंट काम कर रहे हैं और सब अच्छे उसमें कर रहे हैं। कोई अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं, कोई सफाई में खुद शामिल हुए हुए हैं, टीम वर्क कर रहे हैं, जगह जगह जाके कचरा उठा रहे हैं, साफ़ कर रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ को। तो मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि इस ये अवेयरनेस लोगों में होनी चाहिए। दुनिया में ऐसे भी शहर, मुल्क, ऐसी भी एरियाज़ हैं जो साफ़ भी रहते हैं, ऐसे भी मुल्क हैं जिनके शहरों में सड़कें साफ़ रहती हैं, ऐसे भी मुल्क हैं जिनके शहरों में कचरा लोग डस्टबिनों में डालते हैं या गाड़ी आती है तो डस्टबिन गार्बेज लेके जाती है। ऐसा नहीं है कि आप हर गार्बेज रोड पे आ रहा है, हर चीज़ रोड पे आ रही है, ऐसा हर जगह नहीं होता। प्लास्टिक का इस्तेमाल जिस तरह से कम करवाया जा रहा है, प्लास्टिक के लिए बताया जा रहा है कि प्लास्टिक रिसाइकिल नहीं होता, प्लास्टिक किसी भी सूरत ख़त्म नहीं होता, तो प्लास्टिक कम से कम यूज़ किया जाए। जो शॉपिंग बैग्स होते हैं, थैलियाँ होती हैं प्लास्टिक की, उनका यूजेज कम किया जाए। तो मेरे जहन में जो आ रहा था आइडिया वो ये आ रहा था, एज अ पाकिस्तानी और बींग अ पाकिस्तानी यूट्यूबर कुछ ना कुछ मुझे भी इसमें करना चाहिए, इसके लिए करना चाहिए, मतलब पाकिस्तान के लिए, कराची के लिए या पाकिस्तान के किसी भी, मेरा मुझे ज़रूरी नहीं है कराची के लिए, मेरा पूरा पाकिस्तान हमारा है, हम पाकिस्तानी हैं, पूरे पाकिस्तान का हर हर शहर, हर हर कस्बा, हर हर गांव हमारा है, हमारा हिस्सा है, हम उसका हिस्सा है। लेकिन कहीं ना कहीं किसी चीज़ में कोई ना कोई ऐसी हमारी कोशिश या काविश ज़रूर होनी चाहिए जिसके थ्रू या तो कोई अवेयरनेस पहुँचे किसी तक, लोगों में अवेयरनेस पहुँचे। जैसे हम वहाँ हैं नहीं, ओवरसीज़ जो पाकिस्तानी होते हैं, जो पाकिस्तान के अंदर ख़ुद से अपनी खदमात नहीं दे सकते, मुल्क में कौम के लोगों उन मतलब कौम को अपनी खदमात नहीं दे सकते, उनकी प्रेजेंस नहीं है वहाँ पर, लेकिन वो लोग दूर हैं अपने मुल्क से, लेकिन वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कुछ बातें मेरे जहन में हैं। और कुछ मैं आपसे डिस्कस करने का मकसद यही है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसा छोटे से लेकर बड़े से बड़ा कोई भी ऐसा आइडिया है जिसके ज़रिए मैं अपनी वीडियोज़ के ज़रिए एज अ इन्फ्लुएंसर, एज अ पाकिस्तानी, बींग अ यूट्यूबर, एज अ इंसान कोई भी ऐसा काम कर सकें
तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा। इंस्टाग्राम का एड्रेस इस वीडियो के एंड में होगा, तो वहाँ पे मुझे आप एक छोटा सा मैसेज करके अपना जो भी आइडिया है उसे लिखकर मुझे बता सकते हैं कैसे सफाई शुरू की जा सकती है और कैसे कचरा जो है, गार्बेज जो है, गंद जो है, उसे ख़त्म किया जा सकता है जड़ से। थोड़ा बहुत होगा, ज़ाहिर है एकदम से सब कुछ ख़त्म नहीं होता, एकदम से एकदम चेंज नहीं आता, बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता चेंज आता है। तो उसको करने के लिए ऐसी क्या चीज़ है, ऐसी क्या बात है जो आपके जहन में आती है कि एज अ ओवरसीज पाकिस्तानी हम पाकिस्तान के लिए कर सकते हैं? मुझे रहने वाले पाकिस्तानी हाँ, इवन पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तानी भी जो जिनको ये नहीं पता, बहुत लोग हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें ये पता ही नहीं है कि सड़कें साफ़ भी होती हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि शहर साफ़ भी होते हैं, जो पाकिस्तान से कभी बाहर नहीं निकले, जिन्होंने कभी नहीं देखा कि सफाई भी कोई चीज़ होती है, रोड कहीं दुनिया में ऐसा भी होता है कि रोड साफ़ भी होती हैं, बिना कचरे की भी कोई मोहल्ला, कोई एरिया, कोई जगह होती है। ये बहुत से लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि कैसे इसको सफाई रखी जाए, कैसे इस सफाई को मैनेज रखा जाए। तो उसके लिए पाकिस्तान, ज़ाहिर है वीडियोस तो हर जगह देखी जाती हैं, पाकिस्तान में भी लोग वीडियोस देखते हैं, तो उनको कैसे ये अवेयरनेस पहुंचाई जाए, उन तक कैसे ये पैगाम पहुंचाया जाए, उन तक कैसे अपनी बात पहुंचाई जाए कि इस काम में बढ़ चढ़ के वो हिस्सा लें। इसके जो भी आइडियाज़ हों वो बिल्कुल रेलेवेंट आइडियाज़ होने चाहिए, उसमें फजूल की कोई बात नहीं होनी चाहिए, वरना मैं उस मैसेज को पढ़ूंगी नहीं। और वो मुझे नीचे कमेंट करके बताएं वीडियो के नीचे, और इंस्टाग्राम में मेरे को इनबॉक्स करें अगर आपके पास कोई जेन्युइन आइडिया है। बीइंग अ पाकिस्तानी हमारा पाकिस्तान के लिए एक हिस्सा है, होगा, इसमें कोई फाइनेंशियल गेन नहीं है, ज़ाहिर है अपना ज़ाती कोई मकसद नहीं है, लेकिन ज़ाहिर है हम पाकिस्तान जाते हैं कभी ना कभी, साल में, दो साल में जब जाएंगे, हमारा शहर, हमारा मोहल्ला, हमारा मुल्क जब हमें साफ दिखेगा तो उससे जो खुशी मिलेगी और उस खुशी से तो हमारा खून बढ़ेगा, तो रिटेलिएशन में वो फिर घूम फिर के हमारे पास ही आएगी। ये छोटा सा एक मकसद था जो आप लोगों के साथ डिस्कस करना था। इसके अलावा अभी मैं मान का कुछ मील प्रिपेयर करूँगी तो वो आपको दिखाऊँगी। आप लोगों को बताना था कि मान ने जिम ज्वाइन किया और माशाल्लाह से वो एक हफ़्ते से जिम कर रहे हैं, तो मेरी सपोर्ट उनके लिए ये है कि मैं उनको प्रॉपर मील प्रोवाइड करती हूँ, जैसा उनको चाहिए हेल्दी फूड वो प्रोवाइड करती हूँ, ताकि वो इजीली वो हेल्दी फूड खा सकें और हेल्दी चीज़ें जो उनको कोच बताते हैं वो खा सकें। एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही हैं, उनका नाम रेहान अल्लाह वाला है, और हो सकता है आप में से कुछ लोग उनको जानते हों, किसी कोई देखता हो उनको फेसबुक में, वैसे अच्छे खासे मशहूर आदमी है वो। तो उन्होंने कराची के अंदर रेंचोड़ लाइन एक इलाका है, वहाँ पर किसी गोश्त और फिश मार्केट इतनी बुरी हालत में कि वो मुझे लग रहा था कि वो किसी ज़माने में, शायद पुराने ज़माने में, वो फ़िश मार्केट या गोश्त की मार्केट होती होगी। वो पूरी मार्केट ऑलमोस्ट खाली थी, बस वहाँ वो गोश्त के पार्ट्स और केबिन्स टाइप के बने हुए, पूरी बुरी हालत में मार्केट है वो। उसमें चंद लोग जो बेचारे सिर्फ रोज़गार के लिए शायद आते होंगे, उनके पास कोई जगह नहीं होगी, कोई जगह का ऐसी प्रॉपर जगह नहीं होगी जहाँ रेंट पे करके वो अपनी दुकान खोल सकें या कुछ भी कर सकें, वो वहाँ बैठे हुए हैं बस। वो वहाँ गोश्त बेच रहे हैं ऊपर और मछली बेच रहे हैं, और नीचे वहाँ पूरा कचरे का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें सारा गन और सब, बहुत सारी उसमें पता नहीं क्या क्या गोबर पड़ा हुआ है, गंद पड़ा हुआ है, इतना गंदा है मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती। यानी मैंने वो वीडियो देखी है, लिटरली मैं सोने लेटी हुई थी रात को, तब मोबाइल में ऐसी स्क्रॉल करते हुए वो वीडियो मैंने रेहान अल्लाह वाला की देखी। उन्होंने रो रो के बेचारों ने अपील की हुई है हुकूमत से, जो लोग भी हैं जिनके हाथ में पावर है ये सब चीज़ें चेंज करने की, उनसे अपील की हुई है कि खुदारा कराची को बचा लें, कराची शहर को बर्बाद होने से बचा लें, इतना बुरा हाल है। मतलब आप ये सोचें कि इतने गंद में से जो लोग हैं, वो तो इंसान ही है ना, इंसानियत की कदर ही नहीं है। जो इंसान है वो गोश्त या मछली लेके खाते होंगे तो वो क्या खाते होंगे, मतलब नीचे कचरा और नीचे गोबर पड़ा हुआ है, ऊपर गोश्त मिल रहा है, उस पर मक्खियाँ भिनक रही हैं, तो उनको क्या मिलता होगा, मतलब क्या उस गोश्त से उनको ऐसी हेल्थ मिलती होगी जिससे वो उनके लिए अच्छी है वो। तो
मुझे बहुत ज़्यादा उस वीडियो ने मतलब बहुत बुरा फील किया मैंने अपने आप में, और मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसे भी इलाके हैं और ऐसे इलाकों में ऐसा भी हाल है जो कि हम जैसे लोगों को पता भी नहीं है, या जो लोग जिनको पता है वो इतने ज़्यादा अनजान क्यों बने हुए हैं ये समझ नहीं आता। तो मैं उस वीडियो को देखने के बाद 1 घंटे तक सिर्फ उस वीडियो के बारे में सोचती रही थी, यानी मैं नींद में थी और मेरी नींद ख़त्म हो गई थी, मुझे नींद नहीं आ रही थी और मैं सिर्फ ये सोच रही थी कि ये कौन सा लेवल है, यानी इतना गंद, इतना कचरा, और वहाँ आप खाने की चीज़ बेच रहे हैं, मतलब इंसान हैं तो इंसानों जो बेच रहे हैं उनके ज़मीर भी मरे हुए हैं, और ज़मीर क्या मरे हुए हैं, मतलब वो गरीब आदमी है, गरीब आदमी के पास करने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई भी उसके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, तो वो क्या करे, उसको तो रोज़ के पैसे कमा के लाने हैं ना, उसे भी अपना पेट, अपने बीवी बच्चों का, अपनी फैमिली का पेट पालना है ना, तो वो तो जाके कचरे में बेचेगा या कहीं भी बेचेगा, गन तो बेचेगा, नहीं समझ में आता कि क्या है। तो इस वीडियो को देखने के बाद मुझे ये हुआ था कि कोई हिस्सा तो हमारा होना चाहिए, यानी अगर हम ओवरसीज रहते हैं तो हम पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान के अंदर किसी भी अच्छे काम में कोई हिस्सा तो होना ही चाहिए। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके नीचे बताइएगा ज़रूर कि इसके लिए क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, तो करना ये है कि मैं अरबिक राइस बना रही हूँ, चिकन चिकन अरबिक राइस बना रही हूँ हेल्दी वे में, मान के लिए उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करती हूँ, साथ साथ में दिखाऊँगी कि क्या क्या करूँगी। तो सबसे पहले मैं ये करूँगी कि मैंने जो है ना एक पतीली रखी है चूल्हे पर, और उसके अंदर मैं 1.5 कप पानी डालूँगी ऑलमोस्ट, या 2 कप्स, और उसके अंदर मैं साबुत गरम मसाले डालूँगी और एक चिकन क्यूब डालूँगी, और उसकी मैं बनाऊँगी यखनी। और ये अरबिक राइस मैंने अभी अभी खुद ईजाद की है, अपनी रेसिपी कहीं से भी देखी नहीं है, खुद सोचा है जहन में कि ऐसे बनाऊँगी। को मैंने ढक दिया है और कुछ नहीं डाला इसमें, सिर्फ गरम मसाला जो आपको दिखाया है वो, और चिकन क्यूब का हाफ भी, यानी एक चिकन क्यूब के 4 पीसेस करके 1 पीस डाला है, और सॉल्ट वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। इसको बस यखनी टाइप का बॉईल करेंगे। अब मैंने चिकन वॉश करी है, उसको मैं मैरिनेट करूँगी और राइस सोक करूँगी, तो वो दिखाती हूँ आपको कि कैसे करूँगी। राइस इस बाउल में भिगो दूँगी, सोक करूँगी 15 मिनट्स के लिए बस, ताकि फटाफट काम हो जाए। चावल और चिकन जो है वो प्रॉपर ओवन में पकेंगे। तो जब मैंने चिकन मैरिनेट की थी उसके बाद मैंने ओवन प्री हीट कर लिया था 250 पे, और अगर आपके पास ओवन नहीं है तो आप इसको पतीली के अंदर भी बना सकते हैं। जैसे मैं असेंबल करूँगी ऐसे ही पतीली के अंदर असेंबल करके उसको चूल्हे पे भी बनाया जा सकता है, बस चूल्हा आँच मीडियम या लो रखनी होगी कि वो साथ साथ चिकन और चावल कुक हो जाए। अब मैं इसको असेंबल करूँगी ओवन की डिश में और फिर आपको दिखाऊंगी। हाँ, और मैं बता दूं कि ये मैंने एक टमाटर, एक प्याज और 3-4 हरी मिर्चें, उनको ऐसे गोल गोल काट के रखा है, ये भी अभी मैं उसी के अंदर असेंबल करूंगी और आपको दिखाऊंगी। आपकी सोच है मेरे साथ क्या भंडू है, सोच नहीं सकते आप कि क्या हुआ मेरे साथ। अब ये जाहिर है ये पूरी डिश प्रिपेयर हो गई, असेंबल हो गई, अब इसे ओवन में रखना है। ओवन के अंदर रखने के लिए लाजिम है कि मैं इसको फॉइल से, फॉइल पेपर से ऊपर बिल्कुल पैक करूं। जब मैं इसको पैक करूंगी तो ही ये स्टीम में अंदर राइस और चिकन कुक होगी। मैंने फॉइल पेपर निकाला लगाने के लिए इसके ऊपर, और ये देखें मेरे साथ क्या हुआ, मैंने इसको खोला, खत्ता मैं फॉइल पेपर, और इस वक्त मुझे कहाँ से मिलेगा फॉइल पेपर, लेकिन कोई बात नहीं, सारा कुछ एक ही जगह पे आके ख़त्म थोड़ी हो जाता है, और भी कुछ कर सकते हैं। अब मैं करूँगी क्या कि मेरे पास एज इट इज़ सेम ऐसी एक और डिश है,
मैं उस डिश को उल्टा करके इसके ऊपर ढकूंगी, या कोई और चीज़ ऐसी करके इसके ऊपर ढकूंगी, कोई ढक्कन या कोई चीज़ जिससे इसके अंदर स्टीम बने और ये पके। तो आप जब बनाना शुरू करें तो पहले चेक कर लें कि फॉइल पेपर है या नहीं है। मैं हमेशा चेक करती हूँ, आज भूल गई थी। कुछ इस तरह कवर किया मैंने इसको। अब मैं इसको ओवन में रखूँगी तकरीबन 1 घंटे का टाइमर लगा के, उसके बाद फिर आपको इसकी शक्ल दिखाऊंगी। चावल डन हो गए, मैं ओवन से उसको निकालने आई हूँ, आपको दिखाती हूँ निकाल के। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, सोऊंगी। बाय, निकाल के दिखाती हूँ। Thank you.